यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं ऊना के इंदिरा मैदान में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया स्विमिंग पूल खेल विभाग की अनदेखी के चलते सफेद हाथी साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में भी तैराकों को तैराकी के गुर सिखाने और लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए स्विमिंग पूल के शुरू होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पिछले साल भी ठेकेदार न मिलने के कारण विभाग स्विमिंग पूल को शुरू नहीं करवा पाया था और इस साल भी कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तरणताल को शीघ्र शुरू करने की गुहार लगाई है। जिला खेल अधिकारी की माने तो विभाग स्विमिंग पूल को खेल विभाग फिर से शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए खर्च कर रहा है, जिसका काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। अधिकारी ने कहा कि विभाग ने दो बार टेंडर किए गए, जिसमें पहली बार कोई भी प्रतिभागी नहीं आया, जबकि दूसरी बार दो पार्टियों ने ही टेंडर भरा है। जबकि टेंडरिंग नियमों के तहत 3 टेंडर आने जरूरी है, इसलिए मामले को आगामी कार्रवाई के लिए खेल विभाग के निदेशक को भेजा गया है।